हाई एवरी वन, दिस इज पारुल, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज की वीडियो इज अबाउट द स्ट्रैटेजीज आई यूज फॉर फिजिक्स फॉर नीट 2022। आई नो आई पुट अप दिस वीडियो बहुत ज्यादा पहले, आई एम सॉरी फॉर डिलेइंग इट फॉर सो लॉन्ग। एक्चुअली 15-20 दिनों से टाइम ही नहीं मिल पाया कुछ करने का। आई वॉज ट्रैवलिंग विद माई फैमिली एंड देन काउंसिलिंग होने लग गई और फिर दिवाली आ गई। इन सब चीज़ों में आई गॉट वेरी बिजी और टाइम ही नहीं मिल पाया। बट टुडे आई हैव फाइनली गैदर्ड माई सेल्फ टू गेट आउट ऑफ द बेड एंड शूट यूट्यूब वीडियो। सो आई स्कोर्ड 165 आउट ऑफ 180 इन फिजिक्स एंड आई थिंक मुझे सही में ऐसा लगता है कि अगर मैं थोड़ा और अटेंटिव होती पेपर करते हुए एंड थोड़ा पैनिक कम करती, आई वुड हैव स्कोर्ड बेटर एटलीस्ट इन फिजिक्स। सो आई गॉट अ लॉट ऑफ DMs स्टूडेंट्स से कि हमारी फिजिक्स वीक है या वी आर नॉट दैट गुड एट फिजिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज स्टॉप सेइंग कि हमारा एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट वीक है और वी आर नॉट दैट गुड एट इट, बिकॉज व्हेन यू से थिंग्स यू अट्रैक्टेड एंड यू अडैप्टेड। ये आपको मतलब बीट फिजिक्स, बीट केमिस्ट्री, बीट बायोलॉजी, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप ये बोलने लग जाओगे कि हमारा ये सब्जेक्ट वीक है, आपकी मेंटालिटी वैसे ही बन जाएगी कि इसके क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं होंगे। फिर अगर आता भी होगा ना तब भी सॉल्व नहीं होगा। तो मैंने ऐसी मेंटालिटी बना ली थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए और करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए कि टॉपिक्स तो डिफिकल्ट हैं, ये मेरे इतने स्ट्रांग नहीं है तो ये मुझसे सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो जब भी टेस्ट में ये चैप्टर आते थे तो फिजिक्स सॉल्व करने में मेरी फट जाती थी कि भाई अब मुझसे सॉल्व नहीं होगी, अब डिफिकल्ट पोर्शन आ रखा है, अब मेरे मार्क्स नहीं है। तो मैंने इन चैप्टर्स को ठीक करने के लिए क्या किया था, मैंने इन चैप्टर्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ा दी थी। मतलब फिजिक्स में तो क्वेश्चन सॉल्विंग इज द की। ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा टॉपिक स्ट्रांग होता चला जाएगा। अगर आप 50 क्वेश्चन करोगे थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, 100 करोगे थोड़ा और होगा, 200 करोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मतलब जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ही ज़्यादा फायदा होगा और उतना ही ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा खुद पर और टॉपिक भी उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। मैंने 3 चीज़ें करी थी, नोट्स, मॉड्यूल और क्रॉप। इनिशियली जब क्लासेस चल रही थी तो मैंने क्लास के साथ साथ नोट्स बनाए थे, टीचर बनवाते थे वही नोट्स और वो मैं आके रूम पे पढ़ती थी। जो भी थ्योरी वो लिखवाते थे वो थ्योरी पढ़ती थी और जो भी वो क्वेश्चन करवाते थे वो क्वेश्चन दोबारा आके एक बार खुद से सॉल्व करती थी। अगर आपके पास नोट्स हैं तो उन नोट्स को रेफर करो, और अगर नोट्स नहीं हैं तो काफी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको अच्छा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। मतलब फिजिक्स में नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, अनलाइक बायोलॉजी यू कैन नॉट स्टडी फिजिक्स फ्रॉम एनसीईआरटी या फिर मॉड्यूल से थ्योरी पढ़ के। नोट्स बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। नोट्स के बाद मैं मॉड्यूल सॉल्व करती थी और आई यूज टू रेफर LM के मॉड्यूल्स ओनली। अगर आपके पास किसी और कोचिंग के मॉड्यूल्स हैं तो आप अपने पर्टिकुलर कोचिंग के मॉड्यूल सॉल्व करो, और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, किसी कोचिंग में इनरोल नहीं कर रखा, देन आई वुड सजेस्ट कि कोई एक्स्ट्रा बुक लेने से बेटर है किसी कोचिंग के मॉड्यूल्स खरीद लो, बिकॉज दे आर स्पेशली डिजाइन फॉर नीड और वो ज़्यादा बेटर रहेंगे इन माई ओपिनियन एज कम्पेयर टू दोज रेफरेंस बुक्स। इससे बेटर कोचिंग के मॉड्यूल्स खरीद लो और उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। हर एक क्वेश्चन के मॉड्यूल में एक स्पेशल एक्सरसाइज होती है फॉर प्रीवियस क्वेश्चंस। वो एक्सरसाइज बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मतलब करनी ही करनी है, 2-3 बार तो एटलीस्ट करनी ही करनी है, उससे ज़्यादा बार कर लोगे तो उतना ही फायदा है। और मॉड्यूल सॉल्व करते हुए जब मैंने मान लो फर्स्ट टाइम मॉड्यूल सॉल्व किया, वो क्लास के साथ साथ टीचर होमवर्क देते हैं तभी कर लेते थे, वो क्वेश्चन मुझसे फर्स्ट टाइम सॉल्व नहीं होता था, उन क्वेश्चन को मैं मार्क कर लेती थी और नेक्स्ट टाइम रिविजन के टाइम पे वही क्वेश्चन सॉल्व करती थी। अगर कोई टॉपिक बहुत ज़्यादा वीक है या जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चन गलत आए हैं तो उसका मैं ट्राई करती थी कि 2 बार तो पूरा मॉड्यूल सॉल्व करूँ ही। बट अगर कोई टॉपिक मेरा ऑलरेडी स्ट्रांग है तो उसके सिर्फ जो क्वेश्चन गलत हुए होते थे या मुझसे नहीं हो पाते थे फर्स्ट अटेम्प्ट में, वही क्वेश्चन दोबारा करती थी। आफ्टर मॉड्यूल LM के स्टडी मटेरियल में रेज भी मिलती है। फ्रैंकली स्पीकिंग अचीवर में, मतलब अपने ड्रॉप ईयर में, मैंने वो रेस सॉल्व नहीं करी थी बिकॉज इतना टाइम नहीं हो पाता था और रेस बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा है अगर नीट का लेवल कंपेयर करें तो। मैंने रेस 11th में सॉल्व करी थी क्योंकि तब बहुत ज़्यादा टाइम था एक्स्ट्रा चीज़ें करने और तब नया नया जुनून था ज़्यादा पढ़ने का, तो मैंने उस जुनून के चक्कर में ही एक्स्ट्रा चीज़ें कर ली थी। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 12th की रेस सॉल्व नहीं की थी बट 11th की करी थी, तो इसी चक्कर में मेरे 11th के टॉपिक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और मुझे उन पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। अगर आप नीट 2023 के एस्पिरेंट हो तो कोई ज़रूरत नहीं है इतना एक्स्ट्रा करने की क्योंकि इतना टाइम ही नहीं बचा है। बट अगर 2024 या 2025 के एस्पिरेंट हो, 11th 12th में हो, फ्रेशर हो, देन आई वुड सजेस्ट कि कर लो, टाइम है तो, टाइम काफ़ी है, कर लेना चाहिए, फ़ायदा ही होगा और आपको कॉन्फिडेंस जाएगा खुद पर। बट अगर आपसे उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं या बहुत डिफिकल्ट लग रहा है देन डोंट डू इट, बिकॉज हाँ वो बहुत एक्स्ट्रा है, नहीं करना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है उसको सॉल्व करना। नाउ एंड के 2 महीने पहले LM में क्रॉप मिलती है, मैंने वो क्रॉप सॉल्व करी थी और ऐसा रिकमेंड करते हैं कि वो क्रॉप 2 बार करनी चाहिए सॉल्व, बट मैंने 1 बार ही करी थी। कुछ कुछ चैप्टर्स हैं जो मेरे ज़्यादा वीक थे, उन चैप्टर्स के लिए मैंने वो 2 बार करी थी, बाकी एक जनरल
आइडिया दूं तो मैंने वो एक बार ही करी थी। नाउ कमिंग ऑन टू एनसीईआरटी, अपने बारे में बताऊं तो मैंने फिजिक्स की एनसीईआरटी नहीं करी थी, नॉट इवन वंस, नॉट इवन 11th 12th, बिकॉज मुझे वो किताब सही में बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती है पढ़ने में और मुझसे वो नहीं पढ़ी जाती थी, ना आज तक मैंने वो पढ़ी। और मेरे हिसाब से वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है उसको पढ़ना, नोट्स मॉड्यूल और ये सब चीज़ें हो गई तो मोर देन इनफ है नीट के लिए। अगर आप सिर्फ सिलेक्शन के बारे में सोच रहे हो, सिर्फ सिलेक्ट होना है, देन आई डोंट थिंक एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप रैंक के बारे में सोच रहे हो, आपको एक क्वेश्चन भी गलत नहीं करना, अगर आपको टॉप 500 या टॉप 1000 में आना है तो आप इतने एफर्ट्स मार रहे हो तो इतने भी मार लो, कर लो एनसीईआरटी। एसआरजी ग्रुप, तो एसआरजी का भी एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल मिलता है, बट मैंने वो भी नहीं किया था क्योंकि वो भी बहुत एक्स्ट्रा रहता है। आई जस्ट ऑल्ड नोट्स मॉड्यूल एंड क्रॉप। तो लास्ट के टाइम पे मैंने क्या किया था कि लास्ट 30 ईयर की प्रीवियस क्वेश्चन की बुक खरीदी थी और पहले मैं क्वेश्चन करती थी और जो सवाल मुझसे नहीं हो पाता था उस क्वेश्चन की ही थ्योरी पढ़ती थी सिर्फ। जब तक क्लास में चल रहा है सब कुछ, जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तब पहले नोट्स पढ़ने हैं और फिर मॉड्यूल कर रहे हैं, तो नोट्स पढ़ के फिर क्वेश्चन कर रहे हैं। बट रिविजन के टाइम पे मैंने रिवर्स किया था, पहले क्वेश्चन किए थे और फिर जो क्वेश्चन नहीं हो पाते थे उनकी थ्योरी पढ़ी थी या फिर उनका कॉन्सेप्ट पढ़ा था। इस चीज से क्या होगा, आपका टाइम बचेगा, यूज बिना मतलब में जो चैप्टर आता है, जो कॉन्सेप्ट आता है उसको दोबारा नहीं पढ़ोगे, जो नहीं आता सिर्फ वही पढ़ोगे, बचेगा कहीं ना कहीं और वो टाइम आप बाकी दोनों सब्जेक्ट्स में इन्वेस्ट कर। लास्ट के टाइम पे मैंने ये भी किया था कि जो भी माइनर टेस्ट हुए हैं अब तक उन्हें पेपर निकाले थे और उनमें जो क्वेश्चन मुझसे नहीं हुए थे टेस्ट के टाइम पे वो मैंने दोबारा किए थे। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आप टेस्ट देते हो तो टेस्ट एनालाइज करना इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आई नो ये बहुत लोग बोलते हैं और बहुत क्लीशे साउंड करता है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप टेस्ट को एनालाइज कर रहे हो तो देखो कि ये क्वेश्चन मेरा क्यों गलत हुआ, क्या मुझे इसका कॉन्सेप्ट नहीं आता था या सिली मिस्टेक हो गई या मेरे से क्यों गलत हो गया। तो इन शॉर्ट, टेस्ट एनालाइज करना, अपनी गलती एनालाइज करना, कौन से टॉपिक से मैंने कितने क्वेश्चन गलत किए हैं और क्यों गलत किए हैं एनालाइज करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हो पाए तो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों के लिए एक सेपरेट नोटबुक बना लेना जिसमें आपके जो भी मॉक टेस्ट में क्वेश्चन गलत हुए हैं उनको नोट डाउन करना और उनका रीजन लिखना कि मेरे क्यों गलत हुए हैं और वो सॉल्व करना उसमें, और हर टेस्ट के पहले वो नोटबुक पढ़ के जाना। ये चीज़ अपने बारे में बताऊँ, मैंने नहीं की थी बट मैंने सोचा था कि मैं करूँगी। इनिशियली मैंने करने का ट्राई किया था बट आई वॉज टू लेजी टू मेंटेन इट। मेरे कई फ्रेंड्स ने की थी और उनको ये चीज़ ने कई ज़्यादा फायदा भी दिया है। अकॉर्डिंग अगर आपका इतना सब हो गया तो आई थिंक मोर देन सफिशियंट है, यू कैन इवन स्कोर 180। एक ये भी एक आइडियल स्ट्रैटेजी है जो मैंने खुद के लिए बनाई थी कि हाँ ये चीज़ें मैं करूँगी, 100% फॉलो नहीं कर पाई थी मैं और आई थिंक अगर कर लेती तो बहुत अच्छा हो जाता। सो यार, दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड इफ यू डिड काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड, आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय।